अभिज्ञान मुस्कुराते हुए श्रेया को देख रहा था। वो श्रेया का हाथ खींचकर उसे खड़ा कर देता है और कहता है, आज फिर तुम मुझे मिल ही गई। श्रेया बेवकूफ थी, लेकिन अब उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसे एहसास हो गया था कि अभी जो लोग भी उसके आसपास हैं, वो सभी उसके लिए सही नहीं हैं। श्रेया अभिज्ञान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम यहाँ इन दोनों के साथ क्या कर रहे हो? अभिज्ञान श्रेया का हाथ नहीं छोड़ता और उसकी आंखों में देखकर कहता है, इनका पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। अभिज्ञान का जवाब सुनकर श्रेया और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? अभिज्ञान कहता है, वो तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। जैसे ही अभिज्ञान की बात पूरी होती है, उसका चेहरा कोयले की तरह काला होने लगता है और कुछ ही देर में वो अपने पिशाच रूप में आ जाता है। अभिज्ञान को इस रूप में देखकर श्रेया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो फिर से चीखने लगती है। अगले ही पल उस पिशाच से श्रेया का हाथ छूट जाता है और वो वहाँ से भागने लगती है। श्रेया इस वक्त इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वो सिंघानिया मैंशन की तरफ जा रही है। वहीं श्रेया के वहाँ से जाने के बाद वो पिशाच एक ही पल में राजवीर के सामने आकर रुक जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। ये देखकर राजवीर अपने पॉकेट में अपना हाथ डालता है और एक अंगूठी बाहर निकालकर उसे देखने लगता है। ये बिल्कुल पद्मिनी की अंगूठी की तरह ही लग रही थी। राजवीर उस अंगूठी को देखते हुए कहता है, कुछ देर रुक जाओ, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। पहले अपना काम पूरा कर लो, फिर ये तो तुम्हारी ही है। जैसे ही राजवीर की बात पूरी होती है, उस पिशाच की गुर्राती हुई आवाज सुनाई देती है। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, राजवीर कहता है। तुम जानते हो मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारूंगा। अंतरा खामोशी से वहाँ खड़ी ये सब देख रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक लाश पर जाती है। उस लाश को देखकर एक पल के लिए उसका भी दिल दहल गया। वो एक औरत की लाश थी जिसका दिल उसके सीने से बाहर निकला पड़ा हुआ था। उसका चेहरा खून से लाल हो गया था और उसकी एक आंख बाहर आ गई थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे कितनी बेदर्दी से मारा गया होगा। अंतरा फौरन वहां से अपनी नजरें हटा लेती है। दूसरी तरफ राजवीर का जवाब सुनकर वो पिशाच उस साय में बदल जाता है और सिंघानिया मैंशन की तरफ बढ़ जाता है। उस साय के जाने के बाद अंतरा राजवीर के पास आती है और कहती है, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? राजवीर सिंघानिया मैंशन की तरफ देखता है और कहता है, पता नहीं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अंतरा कहती है, वो दोनों यहाँ आ रहे होंगे। राजवीर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम जानती हो हमें क्या करना है। ये कहकर राजवीर अपने हाथ में रखी उस अंगूठी को देखने लगता है। कुछ देर खामोश रहने के बाद अंतरा कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि ये तरीका काम करेगा? अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो? इससे पहले अंतरा अपनी बात पूरी कर पाती, राजवीर कहता है, अब हमें बस इंतजार करना है। अंतरा सिंघानिया मैंशन की तरफ देखकर कहती है, और श्रेया? इस बार राजवीर अंतरा की बात का जवाब नहीं देता और अंतरा आगे उससे कुछ कहती भी नहीं। दूसरी तरफ श्रेया भागते हुए सिंघानिया मैंशन आ गई थी। वो मैंशन के लिविंग एरिया के बीचों बीच खड़ी जोर जोर से सांसें ले रही थी। मैंशन के अंदर इतना सन्नाटा था कि श्रेया की सांसों की आवाज वहां साफ साफ सुनी जा सकती थी। मैंशन के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन श्रेया भी विराज की तरह अंधेरे में देख सकती थी, पर उसे अब तक इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था। श्रेया वहां खड़े हाँफ रही थी। तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे अभी अभी उसके पीछे से कुछ गुजरा हो। श्रेया घबरा जाती है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसके पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो अपनी नजरें तिरछी करते हुए पीछे देखने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी श्रेया के सामने अवंतिका आ जाती है और उससे कहती है, जाओ यहाँ से अभी। अचानक से अपने सामने लाल साड़ी पहनी भयानक औरत को देखकर श्रेया घबरा जाती है। अब वो इतना ज्यादा डर गई थी कि डर से उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। श्रेया किसी मूर्ति की तरह वहाँ खड़ी थी और उसके सामने अवंतिका थी। श्रेया के पैर कांप रहे थे। तभी वहाँ कोई तेज चीज आती है और अवंतिका को अपने साथ लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। श्रेया को एक बार फिर से अवंतिका की चीखती हुई आवाज सुनाई देती है, जाओ यहाँ से। श्रेया वहाँ से जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे अपने नाक के सीधे में भयानक चेहरे और बिखरे बालों वाली औरत दिखती है जो अपनी सफेद आंखों से श्रेया को एक टक देख रही थी। वो औरत श्रेया से बस कुछ इंच दूर खड़ी थी। उसे देखकर श्रेया जोर से चीख पड़ती है, लेकिन अपनी जगह से हिलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले ही पल
वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रोते हुए अपने आप से कहती है, ये सब यहाँ क्या हो रहा है, मुझे घर जाना है। श्रेया की बात पूरी होते ही उसे अपने कान के बिल्कुल करीब से एक औरत की भयानक आवाज सुनाई देती है। ये तुम्हारा ही घर है, इसे तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। श्रेया ने वो आवाज इतने करीब से सुनी थी कि वो अपने कान के पास से किसी की सांसों को महसूस कर पा रही थी। श्रेया फौरन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। श्रेया रोते हुए कहती है, कौन है यहाँ और तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? इस बार श्रेया को दरवाजे की तरफ से एक आवाज सुनाई देती है। डरो मत, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि तुम मेरी हो। श्रेया फौरन उस दरवाजे की तरफ पलट कर देखती है। वो साया दरवाजे से होते हुए मेंशन के अंदर आ रहा था। उस साये को देखकर डर से श्रेया की रूह कांप जाती है। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए श्रेया के सामने आकर रुक जाता है। उस साये को देखकर इस ठंड में भी श्रेया के माथे पर पसीना आ गया था। डर के मारे उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। तभी वो साया कहता है, बस आज रात की बात है, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तभी श्रेया को दरवाजे की तरफ से एक और जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। ऐसा कभी नहीं होगा। दरवाजे पर रियांश और विराज खड़े थे। रियांश और विराज गुस्से में उस साय को देख रहे थे। उन दोनों को देखकर श्रेया थोड़ी शांत होती है। वो दोनों तेजी से उस साय की तरफ बढ़ रहे थे। तभी राजवीर और अंतरा विराज और रियांश के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बिना कुछ कहे उनकी आंखों में देखने लगते हैं। रियांश गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, हटो सामने से। अंतरा बिल्कुल खामोश रहती है, लेकिन राजवीर कहता है, नहीं भाई, आज आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमारा सामना करना पड़ेगा। विराज और रियांश के सामने राजवीर और अंतरा खड़े थे। उनसे कुछ ही दूर श्रेया उस साय के सामने थी। श्रेया भागकर विराज और रियांश के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके सामने साय के होने की वजह से वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। रियांश गुस्से में राजवीर से कहता है, तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? राजवीर शर्मिंदगी के साथ कहता है, सॉरी भाई, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपकी जान की कीमत श्रेया है तो मुझे ये कीमत चुकाने में कोई हर्ज नहीं है। तभी विराज चिल्लाते हुए कहता है, वो मेरी बहन है, तुम्हारा कोई सामान नहीं। राजवीर विराज की बात का कोई जवाब नहीं देता। विराज अंतरा की तरफ देखता है, जो बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। जब सामने से कोई जवाब नहीं आता तो विराज कहता है, ठीक है, अब तुम दोनों के साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जैसे ही विराज की बात पूरी होती है उसकी आंखों की पुतलियां लाल हो जाती हैं। ये देखकर रियांश कहता है, रुको, वो मेरा भाई है। विराज राजवीर को गुस्से से घूरते हुए कहता है, और उसने मेरी बहन की जान लेने की कोशिश की है। ये कहते ही विराज की बॉडी के चारों तरफ एक तरह की लाल रोशनी आ जाती है। ये देखकर रियांश कहता है, नो। विराज रियांश की बात नहीं सुनता और वो लाल रोशनी विराज की बॉडी से होते हुए राजवीर तक चली जाती है। ये देखकर राजवीर, अंतरा और रियांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इससे पहले कि वो रोशनी राजवीर को मार पाती वो गायब हो जाती है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो जानते थे कि विराज का हमला राजवीर को मारने के लिए काफी था, लेकिन राजवीर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। विराज और रियांश हैरानी से राजवीर को देखने लगते हैं। राजवीर अपने पॉकेट में हाथ डालता है और उस अंगूठी को बाहर निकाल लेता है। उस अंगूठी को राजवीर के हाथ में देख उन दोनों की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही वो समझ जाते हैं कि उस पर विराज के हमले का असर क्यों नहीं हुआ। राजवीर उन दोनों से कहता है, सॉरी, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही राजवीर की बात पूरी होती है उस अंगूठी से एक तरह का लाल धुआं बाहर निकलकर रियांश और विराज की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर रियांश फौरन अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक मंत्र पढ़ने लगता है। इससे पहले कि रियांश अपना मंत्र पूरा कर पाता वो लाल रोशनी उन दोनों को घेर लेती है और अगले ही पल वो दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। राजवीर उन दोनों को देखते हुए अंतरा से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि काम इतनी जल्दी बन जाएगा। अंतरा अभी भी कुछ नहीं कहती, वो बस खामोशी से विराज को देख रही थी। तभी उन दोनों को उस साय की आवाज सुनाई देती है, मार दो उसे। उस आवाज को सुनकर
अंतरा और राजवीर के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। वहाँ श्रेया और वो साया आमने सामने थे। श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने अदृश्य रस्सी से बांध दिया हो। वो चाहकर भी ना तो हिल पा रही थी और ना ही उसके मुंह से कोई आवाज निकल रही थी। श्रेया की नजरें विराज और रियांश पर बनी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंतरा कहती है, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल रहा है। अपना काम पूरा करो और जाओ यहाँ से। तुम्हें और किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। अंतरा की बात सुनकर वो साया गुस्से में गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले राजवीर अंतरा के सामने आ जाता है और उस साये से कहता है, हमारे पास वक्त कम है, अगर ये होश में आ गए तो हम इन्हें संभाल नहीं पाएंगे। राजवीर की बात सुनकर वो साया रुक जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, अब ये मेरा है। श्रेया राजवीर के हाथ में वो अंगूठी देखकर हैरान रह जाती है और वो अंतरा की तरफ देखती है। ये देखकर अंतरा श्रेया से नजरें फेर लेती है। राजवीर थोड़ा झिझकते हुए वो भी उस साये की तरफ बढ़ा देता है। वो साया राजवीर से अंगूठी अपने हाथ में लेता है और फिर उसका आकार कम होने लगता है। वो साया राजवीर के आकार का हो जाता है और उसका शरीर बनने लगता है। कुछ ही पलों में वो साया अभिज्ञान में बदल जाता है और अपनी चमकती आंखों से उस अंगूठी को देखने लगता है। अभिज्ञान उस अंगूठी को देखकर कहता है, अब मुकाबला टक्कर का होगा। मैं उस अंगूठी की ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ। ये बहुत ताकतवर है। इधर श्रेया खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और अपना पूरा जोर लगाकर चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। श्रेया की छटपटाहट से अभिज्ञान का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो चलकर श्रेया की तरफ बढ़ जाता है। क्या अभिज्ञान श्रेया को लेकर जा पाएगा या फिर रियांश और विराज होश में आकर श्रेया की जान बचा लेंगे? क्या होने वाला है इस कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए। अभिज्ञान चलकर श्रेया के पास जाता है और उसके चेहरे को बड़े गौर से देखने लगता है, फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसके गाल को सहलाने लगता है। श्रेया का सुंदर सा चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। अभिज्ञान का छूना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने चेहरे को पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। ये देखकर अभिज्ञान के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, मुझे लगा था कि इस दुनिया में गायत्री से ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। श्रेया घिन भरी नजरों से अभिज्ञान को देखती है। अभिज्ञान आगे कहता है, लेकिन अफसोस, अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ये कहते हुए अभिज्ञान की आंखों की पुतलियां सफेद हो जाती हैं और उसके चेहरे की मुस्कान गुस्से में बदल जाती है। अभिज्ञान कुछ कदम पीछे हो जाता है और उसके सामने रखा हवन कुंड जलने लगता है। अंधेरा होने की वजह से किसी ने गौर नहीं किया था कि जमीन पर हवन कुंड के साथ काले जादू का सारा सामान रखा हुआ था। अभिज्ञान श्रेया के कंधे को पकड़कर उसे नीचे बैठा देता है और खुद उसके पास हवन कुंड के सामने बैठ जाता है। अंतरा और राजवीर ये सब देख रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर परेशानी के भाव थे और वो फिक्र भरी नजरों से श्रेया को देख रहे थे जो सिर्फ रोई जा रही थी। अभिज्ञान मंत्र पढ़ते हुए अपना काम शुरू कर देता है। वो गरजती हुई आवाज में मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में आहुति देने लगता है। श्रेया इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन राजवीर और अंतरा नोटिस करते हैं कि वो मंत्र काफी अलग और अजीब था। संग्राम 1000 साल पहले से काले जादू का इस्तेमाल करते आया था और अब तक उसकी शक्तियाँ कई ज्यादा बढ़ गई थी। राजवीर और अंतरा जानते थे कि वो दोनों उस स्तर के काले जादू को नहीं समझ सकते थे जिनका इस्तेमाल अभिज्ञान कर रहा है। अंतरा राजवीर की तरफ झुकती है और कहती है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? राजवीर जवाब देता है, वही जो मारीज करना चाहता था। ये श्रेया के शरीर से उसकी आत्मा निकालकर खुद उसके शरीर में प्रवेश करना चाहता है। ऐसा करके उसे एक इंसानी शरीर मिल जाएगा और फिर वो विराज को मारकर उस साधना में बैठना चाहता है जिसमें मारीज 1000 सालों तक बैठा था। ये सुनकर अंतरा हैरान हो जाती है और कहती है, इसका मतलब विराज की जान भी खतरे में है? राजवीर कहता है, हाँ बिल्कुल, श्रेया के बाद वो विराज की तरफ ही बढ़ेगा। ये सुनकर अंतरा की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो कहती है, और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? राजवीर अंतरा को समझाते हुए कहता है, अभी इमोशनल होने का वक्त नहीं है। अंतरा आगे बढ़ती है और गुस्से में राजवीर का कॉलर पकड़कर कहती है, बकवास बंद करो, तुमने मुझे पूरी बात बताई ही नहीं। इससे पहले अंतरा राजवीर से कुछ और कह पाती, सिंघानिया मेंशन में श्रेया की चीख गूंज जाती है। श्रेया की चीख सुनकर राजवीर और अंतरा उसकी तरफ देखते हैं। अब
अभिज्ञान के हाथ में एक धारदार खंजर था जो उसने श्रेया की गर्दन पर रखा हुआ था। अभिज्ञान उस खंजर को श्रेया की गर्दन पर दबा रहा था जिससे उसकी गर्दन पर हल्का सा कट बन गया था और उससे खून बह रहा था। ये देखकर अंतरा के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो फौरन श्रेया की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी राजवीर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और सिर ना मिलाकर उसे ना जाने का इशारा करता है। राजवीर उससे कहता है, हमने फैसला ले लिया है, अब हम चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। अंतरा गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेती है और वो वहीं रुक जाती है। अभिज्ञान उस खंजर को श्रेया की गर्दन में घुसाते हुए कहता है, मैं सच में तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर अभिज्ञान अपना खंजर पीछे लेता है और जोर से उसे श्रेया की गर्दन पर चला देता है। एक बार फिर से श्रेया की चीख वहाँ गूंज जाती है, लेकिन अगले पल वहाँ का मौसम बिल्कुल बदल जाता है और अभिज्ञान रुक जाता है। वहाँ का ठंडा माहौल और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। वहाँ की दीवारों पर, पिलर्स पर और फर्श पर बर्फ की एक परत पड़ने लगती है। सभी को वहाँ एक तेज नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। अभिज्ञान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपने आसपास देखने लगता है। अब अंतरा और राजवीर के चेहरे पर डर के भाव देखने लगते हैं। वहीं श्रेया इस वक्त डरी हुई थी तो उसे ये सब समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ सभी को दरवाजे की तरफ कुछ हलचल सा महसूस होता है। सभी की नज़र दरवाजे की तरफ जाती है और सभी हैरान रह जाते हैं। विशिंग वेल के बाहर अंतरा ने जिस औरत की लाश को देखा था, ये वही लाश थी। उस लाश को देखकर राजवीर और अंतरा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस अंधेरे खंडर में वो लाश हवा में आगे बढ़ रही थी। उस औरत का पूरा शरीर सफेद पड़ गया था, जैसे उसमें एक बूंद भी खून ना हो। उसके होंठ सूख कर काले हो गए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सफेद पड़ गई थी। बस फर्क इतना था कि अब उस औरत में जान थी। उस औरत को देखकर श्रेया और डर जाती है, जबकि अभिज्ञान गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है। वो लाश अभिज्ञान और श्रेया के सामने आकर हवा में रुक जाती है और कहती है, हमारा सौदा हुआ था। अभिज्ञान अपनी मुट्ठी बांध लेता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, और अब मैं वो सौदा तोड़ रहा हूँ। वो लाश अपनी बाहर निकलती आंखों से अभिज्ञान को देखती है और कहती है, ये मेरी है और इसे मैं लेकर जाऊंगी। अभिज्ञान अगले ही पल काले धुएं में बदल जाता है और बड़े से साए का रूप लेकर कहता है, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। वो लाश और भी ज्यादा गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए आजाद नहीं किया था। अभिज्ञान कहता है, जानता हूँ तुम मेरा इस्तेमाल करके मुझे अपना रक्षक बनाना चाहते थे, लेकिन अब मुझे वो मंजूर नहीं। जैसे ही वो साया अपनी बात पूरी करता है, वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और उसके हाथ से काला धुआं तेजी से निकलकर उस औरत तक चला जाता है। साये का वार जैसे ही उस लाश पर पड़ता है, उसके शरीर में एक ब्लास्ट होता है और वो बॉडी कई टुकड़ों में बढ़ जाती है। श्रेया, राजवीर और अंतरा हैरानी से ये सब देखते रहते हैं। अंतरा राजवीर से कहती है, क्या वो चला गया? राजवीर अपने आसपास देखते हुए कहता है, नहीं, वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। अंतरा कहती है, तुम यही करना चाहते थे ना? राजवीर अंतरा के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो पल आ जाता है जब मारीज की ऊर्जा ने उसे तक्षक को मारने का तरीका बताया था। श्रेया बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। श्रेया राजवीर से कहती है, उसने अपनी आत्मा के तीन हिस्से किए हैं, श्रेया सिर्फ एक ही हिस्से को खत्म कर सकती है। राजवीर कहता है, तो उसकी आत्मा के बाकी हिस्सों को हम कैसे खत्म करेंगे? श्रेया आंखें बंद किए हुए ही जवाब देती है, तुम ये नहीं कर सकते। तक्षक की आत्मा को वही मिटा सकता है जिसने उसके हिस्से किए हैं, और वो खुद तक्षक है। ये सोचकर राजवीर विराज और रियांश की तरफ देखता है जो जमीन पर पड़े हुए थे। राजवीर की नजर विराज के दाएं हाथ की एक उंगली पर जाती है। विराज उस उंगली को उठाकर फिर से नीचे कर देता है। ये देखकर राजवीर की आंखें गहरी हो जाती हैं और वो अंतरा से कहता है, तैयार रहो, सिग्नल मिल गया है। जैसे ही राजवीर अपनी बात पूरी करता है, उसे एक अजीब सा एहसास होता है। राजवीर अंतरा की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम भी इसे महसूस कर सकती हो?
अंतरा अपने आसपास देखते हुए कहती है, तुम सही थे, ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। अब सिंघानिया मेंशन में एक अजीब सा माहौल बन गया था। वहाँ ऊर्जा का इतना दबाव था कि राजवीर और अंतरा को सांस लेने के लिए भी जोर लगाना पड़ रहा था। वो ऊर्जा बहुत नकारात्मक थी जिसे अंतरा और राजवीर सह नहीं पा रहे थे। तभी उस अंधेरे कमरे में एक भारी आवाज सुनाई देती है। मैंने सदियों तक इस मौके का इंतजार किया है, तो तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते। वो शायद श्रेया के सामने इधर से उधर मंडरा रहा था। वो कहता है, अब मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, बस एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं ये कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वहाँ फिर से वही आवाज सुनाई देती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? भूलो मत, मैंने ही तुम्हें आजाद किया था। वो शायद ही गुस्से में गुर्राते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरे साथ अपने एक हिस्से को भी खत्म कर दोगे। लेकिन मेरे मन में ऐसा कोई डर नहीं है, मैं भी एक तांत्रिक था और मुझे पता है कि तुमसे आजाद होने के लिए मुझे क्या करना है। इसके बाद वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। तक्षक ने संग्राम की बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। सभी अपने आसपास उत्सुकता से देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। साथ ही वहाँ ठंड और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और मेंशन में जमी बर्फ की परत और भी मोटी होती जा रही थी। तभी उन्हें एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे के खुलने की आवाज थी। सभी की नजर उस तरफ जाती है जहाँ से वो आवाज आ रही थी। वो आवाज मेंशन के कोने के एक कमरे से आ रही थी। अंतरा और राजवीर को कुछ दिख नहीं रहा था, इसीलिए अंतरा अपने हाथ में रखा टॉर्च उस तरफ मारती है। वो देखती है कि उस तरफ से एक आदमी लिविंग एरिया की तरफ बढ़ रहा था। उस आदमी को देखकर अंतरा परेशान आवाज में कहती है, नहीं, ये आदमी हमारे काम का था। राजवीर को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है, क्या मतलब? लेकिन उसे अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि अब उन दोनों की नजर उस आदमी पर थी। वो आदमी बिना कपड़ों के लिविंग एरिया की तरफ बढ़ रहा था। उसकी दाढ़ी, मूंछ और बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों की पुतलियां पीले रंग में चमक रही थी। वो आदमी जैसे जैसे लिविंग एरिया की तरफ बढ़ रहा था, नकारात्मक ऊर्जा का वो दबाव बढ़ता जा रहा था। वो इतना डरावना लग रहा था कि उसे देखकर अंतरा और राजवीर भी डर से कांप गए थे। जैसे ही वो आदमी अंतरा और राजवीर के पास से गुजरता है, उन दोनों के शरीर को जोर का धक्का लगता है और वो दोनों हवा में ऊपर उठकर मेंशन की दीवार से लगकर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर श्रेया उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी को देखकर रुक जाती है। दीवार पर टकराने से अंतरा और राजवीर को इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि राजवीर बेहोश हो जाता है। अंतरा भी जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन वो थोड़ी होश में थी। जमीन पर पड़ी हुई वो अपनी भारी पलकों से सामने का नजारा देख पा रही थी। इधर उस आदमी को देखकर पहले तो श्रेया डर जाती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं वो आदमी एक नज़र श्रेया की तरफ देखता और फिर उससे नजरें हटाकर उस पिशाच को देखने लगता है। वो आदमी उस साय की तरफ बढ़ रहा था और उसके चारों तरफ काले धुएं का घेरा था जो उसके साथ ही आगे बढ़ रहा था। वो आदमी चलकर उस साय के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी पीली आंखों से उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ये सुनकर उस साय का आकार धीरे धीरे छोटा होने लगता है और वो अपने पिशाच रूप में आ जाता है और कहता है, तुम्हें सामने आने के लिए शरीर की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो आदमी कहता है, अपनी जिद छोड़ दो और इस लड़की को मुझे दे दो। वो पिशाच गुस्से में गुर्राते हुए कहता है, कभी नहीं, ये सिर्फ मेरी है। क्या होने वाला है इस कहानी में आगे? क्या श्रेया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी, या फिर तक्षक और अभिज्ञान में से किसी एक को श्रेया की शक्तियों की प्राप्ति होगी? जानने के लिए सुनते रहिए। इस बार वो आदमी चीखते हुए कहता है, नहीं, ये मेरी है और तुम मेरे गुलाम हो, मैंने तुम्हें अपनी गुलामी करने के लिए आजाद किया था। वो पिशाच कुछ कदम पीछे हो जाता है और कहता है, मुझे आजाद करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। ये कहकर वो पिशाच उस आदमी की तरफ अपना एक हाथ बढ़ा देता है। उस पिशाच के हाथ से एक तरह का काला धुआं निकलता है जो जाकर उस आदमी को लग जाता है। उस साय के ऐसा करने से उस आदमी के शरीर को हल्का झटका लगता है और वो दो कदम पीछे हो जाता है। वो पिशाच गुस्से से और भी ज्यादा गुर्राने लगता है। वो आदमी कहता है,
तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो ये बेकार की कोशिश छोड़ दो। पिशाच उस आदमी पर फिर से हमला करके कहता है, नहीं, आज मैं तुम्हें खत्म करके खुद को तुमसे हमेशा के लिए आजाद कर लूंगा। इस बार उसका वार और ज्यादा तेज था। संग्राम के उस वार से उस आदमी के कदम पीछे हो जाते हैं। वो आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम जानते हो ये शरीर मेरा नहीं है, इसे मार कर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, ये सब करना बंद करो। उस आदमी की आवाज़ इतनी भयानक और तेज थी कि उसकी आवाज़ से मेंशन में वाइब्रेशन हो रहा था। वो पिशाच कहता है, मैंने तुम पर अपना वो वार किया ही कहाँ है, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम उस वार से कैसे बचते हो। ये कहकर संग्राम उस अंगूठी को निकाल कर आगे बढ़ा देता है। उस अंगूठी को देखकर उस आदमी की आंखें भी हैरान रह जाती हैं। वो कहता है, ऐसी बेवकूफी मत करो, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। संग्राम कहता है, वो तो वक्त बताएगा। ये कहकर वो पिशाच अपनी आंखें बंद कर लेता है और कोई मंत्र पढ़ने लगता है। अब उस आदमी की आंखें गुस्से से जलने लगती हैं। वो कहता है, मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। संग्राम अपनी आंखें बंद किए हुए अपना मंत्र पढ़ना जारी रखता है। वो आदमी फौरन संग्राम पर अपनी शक्ति से हमला कर देता है, लेकिन शायद संग्राम इसके लिए पहले से ही तैयार था। वो जानता था कि उस पर इस तरह से हमला होने वाला है। वो फौरन अपनी आंखें खोल लेता है और अपना हाथ उस आदमी की तरफ बढ़ाने लगता है। अपना हाथ बढ़ाते ही उसे कुछ एहसास होता है और वो उस अंगूठी को देखने लगता है। तभी उस पिशाच के सामने खड़े आदमी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो फौरन उस पिशाच की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। उस आदमी के ऐसा करते ही काला धुआं हवा की गति से उस पिशाच के पास जाता है और उसे लग जाता है। ऐसा होते ही अंतरा की जैसे सांसें ही रुक जाती हैं। वहाँ एक तरह की एनर्जी ब्लास्ट होती है जिसमें उस पिशाच का शरीर धुआं बनकर कई तरफ फैल जाता है। साथ ही वहाँ एक भयानक और तेज आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज संग्राम की थी। श्रेया अपने दोनों हाथों से कान को कसकर बंद कर लेती है और डर से घिसटते हुए पीछे जाने लगती है। इसके साथ ही उस आदमी का शरीर ढीला पड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब वहाँ सब कुछ शांत हो गया था। वहाँ सिर्फ एक इंसान थी जो पूरी तरह से होश में थी और वो श्रेया थी। श्रेया उठकर खड़ी हो जाती है और घबराते हुए अपने आसपास देखती है। वहाँ उसे कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो उसकी मदद कर सकता था। श्रेया डरते हुए अपने आसपास पड़े लोगों को देख रही थी। उस भयानक खंडर में ये सब काफी डरावना लग रहा था। अब वहाँ इतना सन्नाटा था कि श्रेया की सांसों की आवाज भी दूर तक सुनाई दे रही थी। ये सब देखकर श्रेया डर से कांप रही थी। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। ऐसा होते ही श्रेया के दिल की धड़कन जैसे रुक जाती है। वो अब और भी ज्यादा डर जाती है और धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर उस शख्स को देखे जिसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था। तभी वो हाथ श्रेया के कंधे से हटकर उसकी बांह पकड़ लेता है और उसे पीछे घुमा देता है। श्रेया देखती है कि वहाँ लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे थे और उसके चेहरे पर खून था। वो औरत श्रेया को चिल्लाते हुए कहती है, इसी वक्त जाओ यहाँ से। उस औरत को देखकर श्रेया का डर और बढ़ जाता है और वो जोर से चीख पड़ती है। वो अपना हाथ झटकती है और बिना किसी को देखे वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वो मेंशन के दरवाजे के पास ही पहुँची थी। तभी उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। श्रेया हैरान रह जाती है क्योंकि अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। श्रेया आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए कहती है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? श्रेया को एक भयानक आवाज सुनाई देती है, मेरी इजाजत के बिना तुम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकती। उस आवाज को सुनकर श्रेया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जान गई थी कि वो आवाज किसकी है। श्रेया डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और सामने देखकर डर से कांपने लगती है। वो देखती है कि जमीन पर पड़े उस आदमी की पीली आंखें खुल गई थी और वो जमीन पर पड़े हुए श्रेया को भी देख रहा था। वो आदमी जमीन पर पड़े हुए हवा में उठता है और फिर उसका शरीर सीधा हो जाता है। वो आदमी कहता है, लगता है मेरा सदियों का इंतजार आज खत्म हुआ। ये कहते हुए वो आदमी श्रेया की तरफ बढ़ रहा था। श्रेया चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रही थी। वो आदमी एक झटके में श्रेया की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर श्रेया फिर से चीख पड़ती है। वो आदमी श्रेया के पास पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी श्रेया तक पहुंच पाता, विराज श्रेया के सामने आकर रुक जाता है। ये देखकर वो आदमी
गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है। विराज बिना किसी भाव के उस आदमी की पीली आंखों में देखता है और कहता है, बस बहुत हो गया। ये कहते हुए विराज को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ये उस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हुआ था। वो आदमी विराज से कहता है, मुझे तुम्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन आज मैं अपना वो काम पूरा कर दूंगा। वो आदमी गुस्से में विराज की तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ा देता है। इससे पहले कि वो आदमी और कुछ कर पाता, रियांश विराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रियांश को अपने सामने देखकर वो आदमी झिझक जाता है और कुछ कदम पीछे हो जाता है। रियांश उस आदमी को देखते हुए कहता है, तो क्या अब तुम मुझ पर वार करोगे? वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। वो गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है। रियांश आगे कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे मारना नहीं चाहते? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मेरे शरीर के अंदर तुम्हारी आत्मा है। अभी अभी तुमने अपनी आत्मा के एक हिस्से को खत्म किया है, शायद मुझे मारना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कहते हुए रियांश उसकी पीली आंखों में देख रहा था। तभी उस आदमी का सिर फट जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। ये देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं। अगले ही पल काला धुआं उस आदमी के सिर से बाहर निकलता है। ये तक्षक था। उस आदमी के सिर से काला धुआं बाहर निकलता है और पूरे मेंशन में फैल जाता है। तभी वहाँ एक भयानक आवाज गूंज पड़ती है, बस कुछ दिन और फिर तुम्हारा बाप अपने दोनों बच्चों की लाश देखने यहाँ वापस आएगा। वो आवाज इतनी तेज थी कि रियांश, विराज और श्रेया उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उन तीनों ने अपने अपने कान बंद कर रखे थे। उसकी बात पूरी होने के बाद वहाँ सन्नाटा छा जाता है और वो काला धुआं भी वहाँ से गायब हो जाता है। रियांश फौरन श्रेया की तरफ देखता है, जो बहुत डरी हुई थी और घबराई हुई अपने आसपास देख रही थी। रियांश उसे गले से लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले विराज आगे बढ़कर श्रेया को गले से लगा लेता है। विराज के ऐसा करने पर श्रेया भी उसे जोर से पकड़ लेती है और रोने लगती है। विराज उसका सिर सहलाते हुए कहता है, सॉरी तुम्हें ये सब देखना पड़ा। विराज को श्रेया को गले लगाते देख रियांश वहीं रुक जाता है। वो भी यही करना चाहता था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है। श्रेया से ध्यान हटाने के लिए रियांश उन दोनों से अपनी नजरें हटा लेता है और तभी उसकी नजर उस आदमी पर जाती है। अब तक रियांश ये तो जान गया था कि वो कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। रियांश क्यूरियस होकर कहता है, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा था? रियांश की बात सुनकर विराज श्रेया को खुद से अलग करता है और चलकर उस आदमी की लाश के पास चला जाता है। वो उस लाश को देखते हुए कहता है, ये वही तांत्रिक है जिसने उसकी आत्मा को तोड़कर तुमसे और उस साय से जुड़ा था। रियांश हैरानी से विराज को देखने लगता है। विराज आगे कहता है, ये अपना दिमागी संतुलन खो चुका था, पता नहीं क्यों, लेकिन उस तक्षक ने इसे यहाँ कैद करके रखा था। विराज थोड़ा अफसोस करते हुए आगे कहता है, ये हमारे काम आ सकता था, लेकिन अफसोस ये मर गया। जैसे ही विराज अपनी बात पूरी करता है, उसे अंतरा और राजवीर का ख्याल आता है। रियांश और विराज ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, जिस वजह से उन्हें पता नहीं चला था कि राजवीर और अंतरा पर भी हमला हुआ है। वो दोनों बेचैनी से अपने आसपास देखते हैं और उनकी नजर राजवीर और अंतरा पर जाती है, जो बेहोशी की हालत में वहां पड़े हुए थे। रियांश फौरन राजवीर के पास चला जाता है और विराज अंतरा की तरफ बढ़ता है। तभी श्रेया विराज का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, यही मुझे यहाँ लेकर आई थी और इसने ही। इससे पहले श्रेया अपनी बात पूरी कर पाती, विराज उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, श्रेया यहाँ जो भी हुआ वो हमारी प्लानिंग थी, हमें उस साय को खत्म करना था ना, इसीलिए अंतरा ने ऐसा किया था। विराज की बात सुनकर श्रेया हैरान रह जाती है और आंखें फाड़ कर उसे देखने लगती है। विराज श्रेया से अपना हाथ छुड़ाकर अंतरा की तरफ बढ़ जाता है। अंतरा अब पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। विराज अंतरा को इस हालत में देखकर घबरा जाता है। वो फौरन उसकी कलाई पकड़कर उसकी पल्स चेक करता है। अंतरा की पल्स चल रही थी। ये जानकर विराज चैन की सांस लेता है। हालांकि विराज के लिए श्रेया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अंतरा को खो नहीं सकता था। विराज अंतरा के सिर को अपनी बाहों में लेकर उसके गाल को थपथपाते हुए कहता है, अंतरा तुम ठीक हो ना? विराज को अभी भी अंतरा की बहुत फिक्र हो रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि जिस हाथ से उसने अंतरा का सिर पकड़ रखा है वो बहुत गीला हो गया है। विराज की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। वो फौरन अपना हाथ निकाल कर देखता है। उसका पूरा हाथ और शर्ट की स्लीव्स खून से भीग चुकी थी। अचानक से विराज को अपने दिल की धड़कन बहुत तेज चलती हुई महसूस होती है। ये देखकर श्रेया भी भागते हुए विराज के पास आती है और घबराहट के साथ कहती है, इसे तो बहुत ज्यादा चोट लगी है।
अंतरा की हालत देखकर विराज ब्लैंक हो गया था और एक तक अंतरा को ही देख रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं अंतरा को कुछ हो तो नहीं गया। तभी श्रेया विराज के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहती है, आप इसे ठीक कर सकते हो ना, तो फिर ऐसे बैठे क्यों हो? श्रेया की आवाज में अंतरा के लिए फिक्र साफ देखी जा सकती थी। अंतरा को इस तरह से देखकर विराज भूल ही गया था कि उसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं। विराज कहता है, मैं सिर्फ इसकी चोट को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसे कोई इंटरनल चोट आ गई होगी या ये। श्रेया को पाने के लिए तक्षक का अगला कदम क्या होगा? क्यों कहा था तक्षक ने कि युवराज जल्द ही अपने दोनों बच्चों की लाश देखने आएगा? कैसे मिलकर बचा पाएंगे ये सभी श्रेया को, जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ गर्ल्स लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।